हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये ब्राउन ब्रेड लाके रखी हुई थी, कल लेके आए थे हस्बैंड, तो चाय से खा ली और अभी थोड़ी सी बची थी, तो मैं इसका सैंडविच बना रही हूँ। तो इनको मैंने साइडों से काट लिया है और अब इन पे बटर लगा लूँगी अच्छे से, ताकि जब मैं चटनी लगाऊँगी तो उसका मॉइस्चर ब्रेड के अंदर नहीं जाएगा, बहुत कम जाने का चांस रहेगा, कहने का मतलब। तो बटर लगाने के बाद मैंने चटनी भी लगा दी है। और ये देखिए, मैंने वेजिटेबल्स काट लिए इनके लिए, और सभी वेजिटेबल्स को मैंने दो तरीके से कट किया है, एक बहुत बारीक और एक स्लाइस के तरह से। और अब ब्रेड पे मैंने मेयोनी लगा दी है, और ये मेयोनी फ्रेंड तंदूरी है, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अगर हमारे पास सादा मेयोनी है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। तो ये देखिए, मैंने लगा दिए इसको और फैला भी दिया है। और ये जो एक ब्रेड साइड में रखी हुई है ना, इसको मैं बीच में लगाने वाली हूँ, और जब मैं दोनों के ऊपर वेजिटेबल्स लगा लूँगी ना, जो मैंने तैयार कर दी है ब्रेड चटनी लगा के, तो उनके ऊपर वेजिटेबल्स लगा लूँगी, उसके बाद ये जो साइड में रखी है ब्रेड उसको तैयार करूँगी बीच में लगाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने वेजिटेबल्स लगा दिए सब पे और पनीर भी रख दिया है। और अब चीज़ स्लाइस है मेरे पास, तो उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, तो वो मैं रखती जा रही हूँ अब इनके ऊपर। और ब्रेड में सबसे अच्छी मुझे चीज़ ही अच्छी लगती है, सॉरी सैंडविच में, ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए तो सैंडविच का मज़ा अलग ही हो जाता है। तो ये देखिए, जो एक ब्रेड साइड में रखी हुई थी ना, तो उस पर भी मैंने फ्रेंड लगा दी है चटनी, और मैं उन्हें भी अब लगा देती हूँ इस पर। और इसके ऊपर भी मैं वेजिटेबल्स रख दूँगी, अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स रखूँगी मैं। तो ये ककड़ी रख दी सबसे पहले तो, और प्याज टमाटर जो भी सब मैंने काटे हैं वो इस तरह से इसके ऊपर रखती जाऊंगी। और अब ये पनीर के पीसेस रख दिए हैं। और ये टमाटर रखे हैं अब, तो ये देखिए इसके ऊपर ये सब रख दिया है। उसके बाद ना अब चीज़ की स्लाइस इसमें मैं पूरी साबुत ही रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि टुकड़े मत करके रख, साबुत ही रख, तो फिर मैंने इसमें जैसी ये थी ना उसी तरह से रख दिया था। और वो वीडियो भी शूट कर रहे थे, वो बोल रहे थे तेरे लिए मैं शॉर्ट तैयार कर देता हूँ, तो वो भी देखो कैमरा लेके लगे हुए हैं, अभी दिखेंगे आपको साइड में। तो ये देखिए, मैंने पूरी की पूरी चीज़ इसके ऊपर रख दी है, और ब्रेड को ना थोड़ा सा हल्के से दबा के और अब तवे के ऊपर रख दूँगी। तो तवे पे बटर मैंने पहले ही लगा लिया था फ्रेंड, और अब ये सैंडविच मैंने रख दिया है पकने के लिए, और ऊपर से बटर और लगा दिया है। तो अभी हस्बैंड ना इसको पलटेंगे, मैं कुछ काम में लग गई थी तो उन्होंने पलट दिया था, ये देखिए। और इसके बाद भी पता नहीं बाहर क्या काम था, हस्बैंड चले गए थे, फिर उन्होंने मुझे आवाज़ लगा ली, तो फिर मैं भी बाहर चली गई थी इसको ढकने के बाद। और ये थोड़ा सा ज़्यादा सीख गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं सीखा था लेकिन सीख गया था, पर टेस्ट बहुत अच्छा आया था सैंडविच का। और अब ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है, और अब मैं इसको दो पीस में कट कर लूँगी। और ये सैंडविच बनाने के बाद दोपहर तक एक बार और हमने बनाया था, तो उसके बाद हमें भूख ही नहीं लगी थी, तो एक बार अभी खा लिया और एक बार दोपहर को। पर दोपहर को हमने बनाया था सिंपल वाला, दो ब्रेड वाला, ये तीन ब्रेड से मैंने बनाया था, और दोपहर को दो ब्रेड से बनाया था। तो वो खाने के बाद फिर भूख भी नहीं लगी हमें, और सीधा फिर हमने रात को ही खाना खाया। और ये चटनी फ्रेंड मैंने हरे धनिए पुदीने और हरी मिर्च से बनाई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी डाला था, तो चटनी भी अच्छी बनी थी और सैंडविच बहुत ही टेस्टी बना था। और ये देखिए फ्रेंड, मैं ये तवे को ना काफ़ी दिन से साफ़ करने की सोच रही थी, और आज मुझे ना ये स्क्रब भी मिल गया था। स्क्रब तो नहीं था, पर जो दीवार साफ़ करने वाला आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, रेगमाल बोलते हैं शायद, और भी कुछ बोलते होंगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे तवा ना काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया था, बहुत ही अच्छा, थोड़ी सी देर में ही, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, तवा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और कुछ लोग केमिकल लगा के साफ़ करते हैं, हार्पिक वगैरह, पर
मैं नहीं करती हूँ। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और पहले इतनी अच्छी बारिश आ रही थी और मौसम ना बहुत ऐसा, इतना खुला मौसम नहीं था, धूप नहीं थी। अभी देखिए इतनी सी देर में ही इतनी कड़क धूप आ गई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जितनी कड़क ही धूप आई है ना, उससे ज़्यादा मतलब बारिश का मौसम हो रहा था। बहुत ही ऐसे काले काले बादल हो रहे थे, बरस लिया ना तो साफ हो गया। और ये देखिए पानी भरा हुआ है, अभी भी यहाँ से टपक रहा है, बहुत धूप है, देखा ही नहीं जा रहा। और अभी यहाँ पे काम चालू होने वाला है, तो बजरी गिराई है, ये वाला जो प्लास्टर है ना, ये फर्श, इसको सही कराना है। और ये पत्थर आए हैं यहाँ पे, इनसे कुछ सजावट होगी। मतलब ये जो बाउंड्री है ना, शायद यहाँ पे लगेंगे ऐसे। और यहाँ बीच में आने जाने के लिए अलग से ही रास्ता बनेगा, ये आंगन के बीच में, मतलब एक छोटी सी रोड टाइप से निकाल देंगे, तो उस तरह से बनने वाला है। और ये पत्थरों को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, एक बार मेरे हस्बैंड और मैं उत्तराखंड गए थे, तो वहाँ पे भी बीच में नदी पड़ी थी, जो अलकनंदा नदी होती है ना, पूरे रास्ते वही चलती उत्तराखंड में हम पहाड़ चढ़ते हैं। और मुझे यहाँ से लेने थे एक पत्थर, लेना था किचन के लिए, जैसे कभी कुछ तोड़ना वोड़ना हो, कुछ कूटना हो ना, तो उसके लिए चाहिए था। तो जब हम वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे रुके थे हम थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय भी किया था। काफ़ी मतलब काफ़ी लोग तो नहीं, पर थे वहाँ पे, पब्लिक थी, तो हमें वहाँ पे भी ये सब पत्थर ना इतने अच्छे लगे थे बहुत ज़्यादा। ये पत्थर तो फिर भी इतने ठीक नहीं है, लेकिन वो पत्थर ना इतने गोल गोल और इतने सुंदर सुंदर पत्थर थे, बहुत ही अच्छे। तो हमने काफ़ी सारे पत्थर ना हमारी गाड़ी में रख लिए थे, और जब हम उनको घर लेके गए थे ना, तो पापा जी ने, मेरे ससुर जी ने इतनी तारीफ़ की थी वो पत्थरों की, कि जिसमें ज्ञान होता है ना वही लेके आता है ऐसी चीज़ें। तो वो बात मुझे आज याद आ गई ससुर जी की। और ये पत्थर ना अभी किचन के लिए मुझे अच्छा लगा, तो ये देखिए मैं ले आई थी वहाँ से, और अभी इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, ब्रश करा दिया अच्छे से। तो ससुर जी की वो बात याद आते ही ना मुझे हंसी आ रही है, और उस दिन बहुत अच्छा लगा था कि वो इतना, मतलब एक तरह का बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। जब बड़े लोग तारीफ़ करते ना, तो अपने आप ही बहुत मन खुश हो जाता है कहने का मतलब, और वो भी ससुर जी। तो बस वही बात अभी याद आ गई थी, तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंड चाय, और साइड में दूध भी चढ़ा दिया है मैंने। और ये देखिए गाय का दूध है, और ये 2 किलो दूध लेके आते हैं हम, उसकी मलाई है ये इतनी। दूध हमेशा ठीक आता है, कभी कभी नहीं आता बस ठीक। अभी 7 बज रही है और लाइट नहीं आ रही है आज यहाँ पे, आधा घंटा जैसा हुआ है, मतलब पर अभी तक भी नहीं आई। बाहर हवा चल रही है अच्छी, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, पता नहीं कब आएगी लाइट। तो खाना तो बनाना पड़ेगा फ्रेंड, तो अब मैं मोबाइल से टॉर्च जला के और खाना बनाती हूँ। और जैसे ही मैं खाना बनाने लगी ना फ्रेंड, तो लाइट भी आ गई थी, तो मन खुश हो गया बस लाइट के आते ही। और मैं बना रही हूँ अभी गोभी और आलू की सब्ज़ी, सिंपल सी बनानी है मुझे। तो ये देखिए गोभी आलू को एक साथ काट के, और इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च भी काट ली थी और तेल में डाल दिया है, तो अब ऊपर से जो भी मसाले वसाले हैं वो सब डाल दूँगी मैं। और आज इसमें टमाटर ज़्यादा डालूँगी, तो 2 गोभी हालाँकि छोटी सी थी, लेकिन मैंने इसमें 2 टमाटर डाले थे ताकि खट्टी खट्टी हो जाए। आज मेरा इसी तरह से बनाने का मन था, तो मैंने टमाटर ज़्यादा डाले और ये लहसुन डाल दिया है मैंने इसमें कूट के। और ये देखिए सिंपल सी मैंने आज सब्ज़ी बनाई है और सिंपल रोटी बनाई है बस। तो आज रात का खाना ये था, और ये तवा आज मैंने साफ़ किया था ना, तो मैंने ऑयल लगा लिया है पहले इस पर। और अभी मैं काजू टाइसन को ऊपर वॉशरूम के लिए लेके गई थी, तो मेरी सांस भर रही है वॉइस ओवर करते करते। और आज इस तवे को साफ़ किया था ना, तो इसी पे रोटी बनाने का मन था मेरा ज़्यादा, तो आज मिट्टी वाले पे नहीं बना के मैंने इसी पे बनाई थी। और अभी मैं ब्लॉग रेगुलर करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, और ये काम भी चल रहा है थोड़ा बहुत इस वजह से भी ना, तो बाद में
होगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि बिल्कुल सेम टाइम पे और डेली वीडियो डाला करूँ मैं। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी फ्रेंड, और इसमें मैंने पानी डाला था ना वो भी सोख लिया था, और अभी पक गई है। तो खाना तो मेरा बन गया लगभग। तो फ्रेंड आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताना। थोड़ा भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट अच्छे से एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।